जो आज क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चों का वो है कि प्रिफरेंस कैसे भरे फॉर्म में। जो दूसरा क्वेश्चन है प्रिफरेंस भरने का वो कैसे भरे। तो यहाँ देखो आपके पोस्ट जो है एक दो और तीन पोस्ट है। एक तो है आपका सब इंस्पेक्टर पुलिस का, ठीक है, जो आपका कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय है। और जो दूसरा है आपका पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है आपका, जो आपका कौन सा है मिनिस्ट्रियल वाला है, जो क्लर्क वाला है। और थर्ड जो है आपका वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आपका अकाउंटेंट वाला है, लेखा वाला है। तो इसमें तो वही बंदा फॉर्म भरेगा जिसके पास बीकॉम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इनमें क्वेरी आ रही है, तो इनमें क्वेरी जो आप लोग इसका नोटिफिकेशन में आप देखे हो एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ओ लेवल के समकक्ष आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग आनी चाहिए किसमें, मिनिस्ट्रियल वाले में, कितनी आपको 25 हिंदी में और 30 किसमें इंग्लिश में। तो इसकी इसी की एक अलग से पोस्ट है किसमें, विजिलेंस में, ठीक है। विजिलेंस में 20 पोस्ट है जिसको आपके फॉर्म में दिखाया गया है ए एस विजिलेंस आपका यहाँ फॉर्म वाला, ये देख लो, ये देखिए ये फॉर्म का एक पिक है, एक बच्चे ने भेजा था। तो यहाँ पे ए एस आई एम विजिलेंस ये किसके अंतर्गत आएगा, जो आप क्वालिफिकेशन इसके साथ रखते हो, जो आप मिनिस्ट्रियल के साथ रखते हो, वही विजिलेंस में इस 20 पोस्ट के लिए भी होगा। तो जो लोग ये फिल कर रहे हो फॉर्म में, आपने प्रेफरेंस दिए हो, वो आप विजिलेंस वाला भी कर सकते हो। और जिनको स्टेनो भी आता है और भी इसकी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ग्रेजुएशन है विथ स्टेनो है, तो आप कॉन्फिडेंशियल गोपनीय वाला फॉर्म फिल करोगे, प्रेफरेंस डालोगे, उसके साथ गोपनीय का ही विजिलेंस में आपका वैकेंसी है। देखो ये कुछ आपका दिखा रहा है, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस पे करोगे 5 पोस्ट प्रेफरेंस है आपके पास। तो जैसे आपके क्वालिफिकेशन और वैकेंसी जैसी है, अगर आप गोपनीय वाले के लिए एलिजिबल हो तो सबसे नंबर पर गोपनीय डालो, ठीक है। उसके बाद से कौन सा डालो, मिनिस्ट्रियल डालो सेकेंड नंबर पे। उसके बाद से तीसरे पे क्या डालो, तीसरे पे आप उसी का क्या डालो, आपका जो विजिलेंस वाला है, जैसे विजिलेंस दोनों में है, एक एसआई कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस यहां दिख रहा है तो वो डाल लो, और उसके बाद से एएसआई वाले में भी विजिलेंस है उसको भी डाल दो। अगर आप किसका एसआई कॉन्फिडेंशियल के एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, आपको आंसू लिपि नहीं आता है, तब आप क्या करोगे, जो आपका ये मिनिस्ट्रियल वाला है इसको भरो और उसी का विजिलेंस भी फिल कर दो दूसरे प्रेफरेंस में। और जो अकाउंटेंट वाले हैं उनके लिए चांदी है, कहाँ है, लेखा वाले, जो बीकॉम वाले हैं, बीकॉम वाले अगर आंसू लिपि भी जानते हैं, अगर शॉर्ट हैंड उनको आता है, उनकी तो और मौज है, ठीक है, क्योंकि वो तीनों भर सकते हैं, वो तीनों भर सकते हैं अगर आंसू लिपि आता है तो। अगर बीकॉम है तो दो तो उनके पास है ही है, अकाउंटेंट वाला और मिनिस्ट्रियल वाला। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस में आप लोग गलती मत करना, जिसकी ज़्यादा वैकेंसी है उसको भरना, अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से भर लेना। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि ये वो विजिलेंस शो कर रहा है उसमें हम एलिजिबल हैं कि नहीं। यहाँ पे आपके जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ये वाली जो पोस्ट है 32 और 20 ये विजिलेंस है उसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो जो जैसा एलिजिबिलिटी रखेगा वैसा ही आप अपना विजिलेंस वाला भी प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए। चलिए धन्यवाद।